कोरोना का कहर फिर से काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इसी बीच बिहार सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है कोरोना को रोकने के लिए, यानी कि जितने भी परिवहन चलेंगे रोड पे से 50% ही चलेंगे, बस ट्रेन और जितने भी छोटे बड़े वाहन हैं उन सब पे रोक लगाने जा रही है और सीटों की संख्या में काफ़ी यहाँ पे कम किया जाएंगे, इस बारे में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से वाले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दरअसल बिहार सरकार की तरफ से एक लेटर इशू किया गया है जिसमें बताया गया है अब जितने भी बस ट्रेन चलने वाले हैं उस पर 50% यानी कि जिस रूट में 10 ट्रेन है तो उस रूट में 5 ट्रेन चलाए जाएंगे, यहाँ पे किराया भी बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लेटर इशू जो किया गया है बिहार परिवहन की तरफ से किया गया है, जिसमें क्लियर बताया गया है बस में सफ़र करते हैं तो बस के अंदर 40 सीट अवेलेबल है तो उसमें 20 पैसेंजर ही यात्रा करेंगे, 20 पैसेंजर से एक्स्ट्रा यात्रा नहीं कर सकेंगे। यानी यहाँ किराया की बात किया जाए तो किराया भी बढ़ाया जा सकता है, यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट नुकसान नहीं सहेंगे और यहाँ पे जो भी पैसेंजर यहाँ पे ट्रेवल करेंगे उससे किराया डबल लिया जाएगा। इसी प्रकार ट्रेन में भी इसी तरह से लागू किया जा सकता है जिस तरह से कोरोना काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। दरअसल जैसे कि आपको पता होगा एक बोगी में 72 सीट अवेलेबल होता है, यहाँ पे 36 सवारी ही यात्रा कर पाएंगे और यहाँ पे ट्रेन का किराया जो भी है, जैसे कि मान लो कि 500 रुपये का किराया है तो उसे 1000 रुपये पैसेंजर को देना पड़ेगा, क्योंकि इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ट्रेनों में काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रहा है और कोरोना काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इसे रोकने के लिए बिहार सरकार ने एक कदम उठाया है। तो आप लोगों को क्या लगता है, किराया बढ़ाना चाहिए या फिर नहीं बढ़ाना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद है लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल शैलेंद्र चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।